नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आर्ट बालाघाट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एज ए नॉर्मल जेपीजी डॉक्यूमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, या कैसे जेपीजी फाइल बना सकते हैं, या फिर किसी जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन अभी जनरली ज़्यादातर चल रहा है कि डॉक्यूमेंट को फोटो को विथ डॉक्यूमेंट को अटैच करके पीडीएफ बना के ऑनलाइन शेयर करना अपने टीचर्सों के साथ या फिर अपने स्कूल कॉलेजेस अदर कोई भी नेटवर्क पर। तो वो कैसे करते हैं, ये चीज़ फोटोशॉप में कैसे पॉसिबल है, उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना आर्ट बालाघाट यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगर आप फिल्टर्स बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे सोशल हैंडल पे आके बात कर सकते हैं @विक्की विलावे। यहाँ पर मैंने दो फोटो लिया है, ये फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पर फाइल आ जाएगी। दोनों जेपीजी मोड में है। ये मैंने नॉर्मली गूगल से एक उठाया फाइल, यहाँ पर कुछ भी जैसे अगर एडमिशन लेते हैं तो इस टाइप का फोटो होता है, फॉर्म होता है जिसको फिल करके सेंड करना होता है, और ये है फोटो लड़की का। तो इसको फोटो बना लेता हूँ सबसे पहले मैं। फोटो बनाने के लिए साथ ही साथ फोटो बनाने का पैटर्न बता, ये फोटो खींचा हुआ है मान लो, अब फोटो खींचा है तो कैसे बनाते हैं इसको भाई। अब ये फोटो ऐसे बना लेते हैं इसको हम 1.4 1.2 1.2 1.4 300 के रिजोल्यूशन के साथ, ठीक है, और इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, इतना फोटो चाहिए हमको सुविधा अनुसार। ये हो गया, ये फोटो क्रॉप हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, बॉर्डर डालना है, ठीक है। अगर चाहें तो और थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, मैं थोड़ा और क्रॉप कर लेता हूँ इस साइड से, इस साइड से नहीं इधर साइड से, ये ले यहाँ तक की कर दिया हमने। अब ये क्रॉप हो गया, इस पे थोड़ा बॉर्डर डालने के लिए क्या करना होगा आपको, इधर पे सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा ड्रैग करके इतना छोटा कर देना है, ठीक है। अब ठीक है, अब इस पे एक हल्का सा बॉर्डर लगाना है हमको स्ट्रोक, ठीक है, और इसको 50% का लगा देता हूँ, और वापस कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, और यहाँ से स्ट्रोक फिर से इसको 100% देना है मुझे, ओके। अब इसको वापस से सिलेक्ट और कॉपी कर लूँगा मैं, और इसका काम खत्म हो गया, बस यहीं तक है इसका काम। वापस यहाँ से एक नया पेज लेंगे फोटो में आके 4x6, और यहाँ से इस फोटो को पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इसको आप लोग शेयर करो, इसको फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी और थर्ड कॉपी, ये तीनों कॉपी हो गई। अब इसके साथ में इसको कॉपी करके सीधे मूव कराएंगे, और तीन जगह इसको वो कर देंगे कॉपी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया, अब इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं मिलेगा, अब इसको सेव करके सीधे प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ फिलहाल पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, 03 नंबर पे सेव कर देता हूँ। अब ये सेव हो गया, अब ऐसा तो नहीं रहता लेकिन नॉर्मल फोटो रहती है आपके पास में, ठीक है, या फिर इसको हटा ही देता हूँ पूरा। अब ये इस फाइल में इसको पीडीएफ भी बनाना है, और इसके अंदर में हमको फोटो डाल के इसको सेंड भी करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ से फोटो किसी ने फोटो लाया है अपनी, तो ऐसा फाइल लेके आएगा, या स्कैन करके लाया मान लो, तो अपने को इसको कितनी फोटो की जरूरत है, सिर्फ इतनी फोटो की जरूरत है, ठीक है, यहाँ से इतना फोटो चाहिए अपने को। तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहीं पर पेस्ट कर देंगे, तो ये कॉपी बन गई इसकी, ठीक है। अब इसको कट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ पर लाके पेस्ट करना है, ठीक है, इसको ये ला दिए, और इसको यहाँ पर लाके फिक्स कर देंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लिखा है इसमें, यहाँ पर लाके इसको फिक्स कर देते हैं, देखेंगे ये। अगर आप चाहें तो इस कॉलम के अंदर भी सेट कर सकते हैं, देखेंगे।
थोड़ा सा इधर से कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको नीचे ऊपर करेंगे तो आप सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया। अब अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे पहले ऐसा था, सेम जगह पे फिक्स हो गया। चाहे तो सिग्नेचर वाला भी कर सकते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट मोड में, डॉक्यूमेंट मतलब जेपीजी मोड में। यहाँ से इधर पे आना और यहाँ जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। अब 04 नंबर दे देते हैं और इसको जेपीजी में सेव कर देते हैं। तो अब सेव कर दिया हमने। अब यहाँ नाम वाम पेन से लिख लेंगे स्कैन करके और इसको पीडीएफ बना के डाल देंगे। अब यहाँ पर नाम वाम भी लिख देते हैं, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं। कंप्यूटराइज अगर करना है आपको तो कंप्यूटराइज कर सकते हैं, जैसे छात्र का नाम लिखना है तो मैं लिख देता हूँ ABC, जो ये जो लिखा है वही रख देता हूँ, ठीक है। नाम कभी ब्लैक ब्लैक में होता है या वाइट में होता है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर भी फादर नेम भी मदर नेम भी जो जो नाम, और यहाँ से जो भी लिखना है वो सब लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर 01 01, ठीक है। और यहाँ से जो जो चीज चाहते हो आप सब कुछ इसको फिल कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद सेव भी कर सकते हो, जो भी चाहते हो सारी चीजें यहाँ पर सेव हो सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। सारी जगह मैं फिल कर दे रहा हूँ इसको, ये हो गया। अब यहाँ पर चाहो तो सिग्नेचर वगैरह कर सकते हो या फिर बाकी कुछ भी ABCD। अब इसको वापस सेव कर देते हैं। अब आप चाहें तो इसको डॉक्यूमेंट में सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा बना के। अब मैं चाहता हूँ कि इसी को, ये तो जेपीजी फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जेपीजी फॉर्मेट बन के तैयार हो चुका है। देखेंगे जेपीजी फॉर्मेट अपना नॉर्मल फोटो, इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं लेकिन इसको भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट के थ्रू। लेकिन इसका पीडीएफ बनाना है तो कैसे करेंगे, इसको सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में लाएंगे और यहाँ से वापस सेवस में जाएंगे। और यहाँ से ध्यानपूर्वक अगर बारीकी से देखेंगे आप तो यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है फोटोशॉप PDF, PDF, PDP ये ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे 05 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। अब ये क्लिक कर देंगे ओके, और ये नॉर्मल ओके, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ये हो चुका काम खत्म, और ये हो गया अपना बना के तैयार, ठीक है। अब जाके चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि बन के तैयार हुई कि नहीं। तो अगर ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो इसका फॉर्मेट PDF डॉक्यूमेंट में आ चुका है। अब इसको मैं किसी भी नॉर्मल क्रोम ब्राउजर में या कहीं भी ओपन कराऊंगा तो ये ओपन हो जाएगा। सॉरी, ये किसी और ब्राउजर में ओपन होना चाह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर में। देखेंगे ये PDF का वो है, ये देखो यहाँ लिखा रहा है ना PDF फाइल 05, ये PDF बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब मैं यहाँ से सारी फोटोज को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जो जो बनाया डिलीट कर दिया मैंने, अभी इस PDF को नॉर्मल फोटो में लेके आना बिना क्वालिटी लूज किए तो क्या करना होगा, सीधे कुछ भी नहीं करना, आसानी से फोटोशॉप में ओपन करा ली, ये जैसा को वैसा ओपन हो गया है PDF। देखेंगे PDF ओपन, इसको सीधे सेव करेंगे और यहाँ से ये PDF ऑप्शन को हटा के JPG ऑप्शन में ला देंगे और सिर्फ 5 नाम लिख के इसको सेव कर देंगे। अब इसको देख सकते हैं आके, ये जैसी की वैसी आके तैयार हो गई अपने पास। ये PDF भी रखी है, JPG भी रखी है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे कैसे PDF डॉक्यूमेंट काम करता है, फोटोज़ काम करती है, और फाइलें कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे काम करेगा। और अगर कोई परेशानी आती है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहें 7.0 में तो भी 7.0 में भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। मैं आपको 7.0 में भी बता दूंगा, मैं फोटोशॉप 7.0, CS3 सारे सॉफ्टवेयरों में बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ 7.0 ओपन करा लेता हूँ ताकि उसमें भी आप लोगों को कम्प्लीट समझ में आ जाए कि भाई सही में जो चीज़ आपने बताया है जेन्युइन बताया है। मैं यहाँ से इसको डिलीट को वापस लाता हूँ, देखेंगे ये PDF है और ये JPG है। तो पहले क्या करते हैं, इसको हटा के JPG बना लेते हैं। ये JPG ये नहीं ओपन हो रहा है, उसकी वजह क्या है ये बता देता हूँ मैं। ये जो बोल रहा है कि कंप्लीट नहीं है बोल रहा है, क्योंकि ये फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में आया है PDF बन के, तो जब तक ये सेव नहीं होगा तब तक ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो अब क्या करना है, ये JPG वाला अपने पास में, ठीक है। तो JPG वाले को PDF बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं, जैसे JPG फॉर्मेट में जो रहेगा स्कैन कर लेंगे डॉक्यूमेंट को। यहाँ से देखेंगे यहाँ पर
फोटोशॉप पीडीएफ का एक ऑप्शन है, और यहाँ पे डबल ट्रिपल ए के नाम से एक फाइल बना लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अब जाके चेक करते हैं कि बना के नहीं, देखेंगे पीडीएफ बन के तैयार है। ठीक है, ये बन चुका है, जैसा कि प्रीव्यू नहीं हो रहा है लेकिन ये बन के तैयार है पीडीएफ। ठीक है, तो इतना आसान था। अब इसी को उठा के लेके जाएंगे और यहाँ से वापस फोटोशॉप में आएंगे और यहाँ से इसको ओपन कराने की नाकाम कोशिश करता हूँ। ये ओपन हो गया, ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे पीडीएफ, वो इसीलिए पहला फाइल प्रीव्यू नहीं होता क्योंकि वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में बना, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब इसको जेपीजी में करना है तो वापस जेपीजी में आएंगे और ट्रिपल एस और ओके। अब यहाँ सेव में चेक करेंगे कि ये फाइल जेपीजी बनी कि नहीं ट्रिपल एस नाम की, ये बन के तैयार है। और साइज में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा, सारी की सारी फाइलें सिमिलर होगी, 1-2 KB का अंतर हो सकता है बस, बाकी सारी की सारी फाइलें सेम होगी। तो जेपीजी टू पीडीएफ, पीडीएफ टू जेपीजी, ऑल इन वन सारी चीजें मैंने बता दी है, कैसे स्कैन फिर स्कैन करना है, क्या क्या सारी चीजें हैं, लगभग 100% चीजें मैंने आपको बता चुका है कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे कैसे कौन सी चीजें वर्क करेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सब्सक्राइब करिए आर्ट बालाघाट यूट्यूब चैनल को और करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।